हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक और ज़बरदस्त जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है MPESB पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। फ्रेंड्स, भले ही MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, बट ये ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। मींस कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी सारी पोस्ट रखी गई है। तो फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 7090 आपको रहने वाला है। आगे पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूँगी आपको, इसके डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस को समझाऊंगी, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप पोस्ट वाइज वैकेंसीज प्लस डिपार्टमेंट के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि वैकेंसी निकली है MPESB पुलिस कांस्टेबल 2023 के रिगार्डिंग। MPESB का मतलब होता है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पे आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 7090 पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हो चुकी है। इसमें हमारे तीन कांस्टेबल के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रहने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका कांस्टेबल स्पेशल आर्म्ड फोर्स है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका 2646 है। सेकेंड पोस्ट आपका कांस्टेबल GD की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स फ्रेंड्स आपका 4444 है। थर्ड आपका कांस्टेबल RO मीन्स रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 321 देखने को मिल जाएगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैकेंसीज की डिटेल, आपको ये मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए डिवाइडेड है, और जो कैटेगरी वाइज होता है जनरल OBC वो भी डिवाइड कर दिया गया, तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हो। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, वो आपका 26 जून 2023 रहने वाला है। वही आपको लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म 10th ऑफ जुलाई 2023 देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आपके पास अच्छा खासा टाइम होने वाला है फॉर्म अप्लाई करने का, बट आपको 10 जून का आप जो वेट नहीं करना है। जैसे ही 26 ऑफ जून से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होता है, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को जाके भर देना। अब जो फ्रेंड्स इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स देखने को आपको मिलेगा, वो है आपका 12th ऑफ अगस्त 2023, क्योंकि इसी दिन इसका जो है रिटेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और आप लोगों के पास फ्रेंड ज़्यादा समय भी नहीं रहने वाला है, तो आप लोग जितना अच्छे से हो सके इस एग्ज़ाम की तैयारी को कर लो, ताकि आप इस एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक कर पाओ। एग्ज़ाम आपका दो शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉर्निंग 7:30 से स्टार्ट होता है, और सेकेंड शिफ्ट आपका जो आफ्टरनून में होता है 12:30 से आपका स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म की फ़ी की बात करें तो जनरल और OBC को यहाँ पे फ्रेंड्स 500 रुपीज़ लिया जाता है। वहीं जो MP के SC ST कैंडिडेट्स हैं उनसे 250 रुपीज़ यहाँ पर फॉर्म की फ़ी ले जाती है। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेल कैटेगरी के लिए आपका जनरल प्लस अदर स्टेट वालों के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स है, और मैक्सिमम आपका 36 इयर्स देखने को मिल जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स एज लिमिट आपका 18 टू 33 इयर्स रहता था, बट कोविड की वजह से यहाँ पे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये मेल कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बताया।
अब मैं बता देती हूँ आपको कि फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो फीमेल में जनरल कैटेगरी के लिए आपका मिनिमम 18 इयर्स रहने वाला है और मैक्सिमम 41 इयर्स की आपको यहाँ पे दी जाती है, मैक्सिमम 41 इयर्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और जो स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, एमपी के कैंडिडेट है, उनको एज में अच्छा खासा आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपका एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका एज ऑन 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग ही आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जो कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। कांस्टेबल आरओ की पोस्ट के लिए 12th पास होने के साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए टेक्निकल ट्रेड में, तो आप जो है कांस्टेबल आरओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जितनी भी कांस्टेबल की पोस्ट है बाकी, उसके लिए अगर आप 10th पास हो सिर्फ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है यहाँ पे, वो आपको 4 मेजर स्टेज पे आपका डिपेंडेबल होता है। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होता है, देन आपका पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट होता है, मतलब कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड फोर्थ एंड लास्ट आपका मेडिकल होता है, देन आप अपनी पोस्ट को ज्वाइन कर पाते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका जो 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है 100 मार्क्स के लिए, और 2 आवर्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, तो आप उसको टिक करके आ सकते हो। तो इसके लिए भी आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लेना अभी से ही। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जीके का 40 क्वेश्चंस रहने वाला है, सेकेंड आपका रीजनिंग है और इसमें 30 क्वेश्चंस रहेगा। थर्ड सेक्शन में फ्रेंड आपका साइंस और मैथ्स दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जनरली जो कांस्टेबल की पोस्ट आई है उनके लिए। जो भी लोग रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उनका भी यही रहता है एग्जाम पैटर्न, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ रहता है कि उनका जो रिलेटेड ट्रेड है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आईटीआई आपने जिस भी ट्रेड से किया है उससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल आपका 100 मार्क्स का रहता है, इसमें भी क्वालिफाई करना होता है आपको, मिनिमम 30% मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स यहाँ पे लाना होता है, तभी जाके आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को डिटेल वे में बता देती हूँ कि आपका यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आपकी, यहाँ पे आपको हाइट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है। केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए जो आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग जो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट्स है, यहाँ पे उनका जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, वो आपका 168 सेंटीमीटर है, और उनके लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपका 79 सेंटीमीटर टू 84 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। सेकेंड आपका गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में पुरुष का जो आपका मिनिमम हाइट यहाँ पे रिक्वायर्ड है 157 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी आपका जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 79 टू 84 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा। थर्ड आपका मराठा अनुसूचित जाति और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए मेल्स का जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है वो 155 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपका जो चेस्ट का रिक्वायरमेंट है सेम ही रहने वाला है 79 टू 84 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स है आपका अन विशेष सशस्त्र बल छोड़कर संवर्गों के अभ्यर्थी के लिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आरक्षक विशेष
जो सशस्त्र सीमा बल छोड़ के अन्य सभी संवर्ग के लिए अनारक्षित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो मेल कैंडिडेट्स है उनका मिनिमम हाइट यहाँ पे 168 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो चेस्ट का रिक्वायरमेंट है वो आपका 81 सेंटीमीटर टू 86 सेंटीमीटर के बीच देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी इसमें फीमेल्स के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है और फीमेल्स का यहाँ पे चेस्ट की रिक्वायरमेंट किसी भी जॉब में नहीं होती है। सेकेंड, आपका आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए मेल कैंडिडेट्स का आपका जो मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर है और यहाँ पे उनका जो चेस्ट रिक्वायरमेंट है 76 सेंटीमीटर टू 81 सेंटीमीटर रहने वाला है। इसी में आपको फीमेल्स का मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर्स देखने को मिल जाता है और चेस्ट की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो हाइट तो हो गया, अब आपका रनिंग और गोला फेंक वगैरह में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देखने को मिल जाएगी, तो आइए हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपको पीपीटी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होती है उसमें आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहता है, तो पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोले का वजन 7.26 किलोग्राम का रहता है और फीमेल्स के लिए गोला फेंक का वजन आपका 4 केजी का रहता है। 800 मीटर की आपको रनिंग की रहता है, लंबी कूद तथा गोला फेंक के लिए आपको 3 बार जो है मौका दिया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आरक्षक जीडी के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट का, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अंक यानी कि अगर आप 198.3 सेकेंड से अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हो रनिंग में तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, लंबी कूद अगर 2.96 से कम मीटर की आप करते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे, गोला फेंक में भी सेम टू सेम है, अगर आप 3.83 से कम करते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ही जो आपका डिटेल में लिखा गया नोटिफिकेशन में आप अच्छे से देख लेना। और यहाँ देख पा रहे होंगे कि अधिकतम आपका 40 मार्क्स मिलता है अगर आप 124.2 सेकेंड से कम में 800 की रनिंग कंप्लीट करते हो और अगर आप गोला फेंक करते हो 5.5 मीटर से ज़्यादा की तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलता है। 8.76 आप मीटर से ज़्यादा की अगर आप ऊंची कूद करते हो तो भी आपको यहाँ पे फ्रेंड्स 30 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको फीमेल्स का दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 261.8 से अधिक टाइम अगर आप सेकेंड्स में लगाते हो 800 मीटर की रनिंग में तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लंबी कूद के लिए अगर आप 2.04 मीटर से कम की करते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे, गोला फेंक में अगर 2.85 से कम रहता है आपका मीटर तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है आप नोटिफिकेशन में एक बार अच्छे से खुद से देखना ताकि समझ में अच्छे से आपको आ पाए। ये देखो फ्रेंड्स 167 से कम सेकेंड्स में अगर आप कर लेते हो रनिंग कंप्लीट तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 40 मार्क्स मिलेंगे, वहीं आप अगर 4.36 मीटर का जो होता है लंबी कूद अगर कर लेते हो फीमेल कैटेगरी वालों तो आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है 30 मिलेगा, वही आपका 7.20 मीटर से ज़्यादा अगर आप करते हो गोला फेंक में तो आपको जो मैक्सिमम 30 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। अब बारी आती है फ्रेंड्स आपका जो होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो आपका आरक्षक रेडियो ऑपरेटर में आपको केवल 800 मीटर की रनिंग होती है, पुरुषों के लिए गोला फेंक का वजन 7.26 होता है, फीमेल्स के लिए आपका 4 केजी, मतलब ये सेम ही है सारा कुछ, आपको 800 मीटर की रनिंग तथा लंबी कूद गोला फेंक हेतु 3 अवसर आपको यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए इसमें भी आपको बता देती हूँ मेल और फीमेल को क्या नंबर मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया गया है 800 मीटर की रनिंग अगर मेल कैटेगरी वाले 224.5 सेकेंड से अगर ज़्यादा टाइम लगा के करते हैं तो उनको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलता है, लंबी कूद 2.23 से कम अगर रहता है उनका तो 0 मार्क्स मिलेगा, गोला फेंक में 3.51 मीटर से अगर कम है तो 0 मार्क्स मिलेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स का भी आपको बता देती हूँ,
मेल कैंडिडेट वाले अगर 146.5 सेकंड से कम टाइम में अगर अपना रनिंग कंप्लीट कर लेते तो मैक्सिमम 40 मार्क्स मिलता है। वही अगर लंबी कूद अगर कर लेते 4.84 मीटर से ज़्यादा की तो 30 मार्क्स मिलता है, और गोला फेंक अगर कर लेते हैं 8.73 मीटर से अधिक तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें भी फीमेल कैटेगरी का एक अलग बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, फीमेल वालों अगर आप 800 मीटर की रनिंग 305.8 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा के करते हो तो 0 मार्क मिलेगा। लंबी कूद अगर आप 1.50 मीटर से कम की करते हो तो 0 मार्क मिलेगा। गोला फेंक 2.70 मीटर से कम अगर आप कर पा रहे हो तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं मैक्सिमम मार्क्स बता देती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको अगर मैक्सिमम 40 मार्क्स चाहिए तो उनको 800 मीटर की रनिंग 220 सेकेंड से कम टाइम में कर लेना होगा, तब जाके उनको मैक्सिमम 40 मार्क्स मिलेगा। वही लंबी कूद अगर 3.82 मीटर से ज़्यादा की करते हो तो मैक्सिमम 30 मार्क्स मिल जाएंगे। 7.05 मीटर का जो गोला फेंक अगर आप कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स 30 मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सब आपका हो गया फिजिकल का डिटेल। और जैसा कि आपको बता दूं कि एमपी के लिए कांस्टेबल की वैकेंसी है तो एमपी में ही पोस्टिंग रहेगा। तो अभी आप सब बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे कि यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या देखने को मिल जाएगा, तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ नोटिफिकेशन में। फ्रेंड्स, ये रहा आपका जो इनहैंड सैलरी होता है उसके बारे में। देखो यहाँ पे आपका दिया गया है कि आपका जो सैलरी है वो 19,500 टू 62,000 के बीच में रहने वाला है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार नोटिफिकेशन को खुद से अच्छे से पढ़ के समझ के ही फॉर्म अप्लाई करना। सो फ्रेंड्स, ये सारी बेसिक डिटेल थी आपको MPESB पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। आई होप कि मैंने जो भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड किए हो वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में फ्रेंड्स कोई सी भी दिक्कत है तो आप जो है MP पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, मुझसे कमेंट में आके क्वेरीज पूछ सकते हो, और मैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप एक बार नोटिफिकेशंस को अच्छे से समझ लेना। और अगर आप लोग मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। इन सारे जो है कनेक्शन का जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहाँ जाके मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हो। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम टाइम पे शेयर करते रहना। सो मिलती हूँ आपसे फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।